दोस्तों सलार पर प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। प्रियंका कहती है, सलार बहुत ही बड़ी मूवी है और डंकी बहुत ही छोटी मूवी है। सलार केजीएफ 2 से पहले प्रशांत नील ने लिखी थी और उसकी स्टोरी काफी लंबी है। इस वजह से प्रशांत नील ने पहले केजीएफ बनाई और अब सलार क्रिएट कर रहे हैं। पूरा भरोसा है कि सलार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और इस बार एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। और उसी के साथ ये अपडेट भी आ रही है कि सलार में रोकी भाई का कैमियो कंफर्म हो गया है और इस न्यूज को पिंक वेला ने शेयर किया है। और पिंक वेला ट्वीट में लिखते हैं कि जब हमने प्रशांत नील से इंटरव्यू से पूछा था कि सलार और केजीएफ आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने कहा था जी बिल्कुल, केजीएफ यूनिवर्स और सलार यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब अब सलार को धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता। आदि पुरुष के बाद प्रभास अन्ना की सलार काफी बड़ी मूवी है और जब एक्शन की बात आती है तब हर किसी को केजीएफ 2 याद आती है। इस बार सलार भी काफी बड़ी सुपरहिट होने वाली है क्योंकि इस बार स्टोरी के मामले में सलार काफी बढ़िया है और इसका चैप्टर 1 काफी कमाल का होगा। वहीं इसमें जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं वो भी काफी खतरनाक है। 300 करोड़ की बजट में सलार को बनाया जाने वाला है और इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी से ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब शाहरुख खान के चाहने वाले सलार को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रशांत नील का जब जादू जलता है तो बड़े बड़े हीरोज फिल ओप हो जाते हैं। जब शाहरुख खान की जीरो आई थी उस टाइम केजीएफ 1 ने शाहरुख खान की बैंड बजाई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी शाहरुख खान की बैंड डायनोसर बजाने वाला है और जो रिकॉर्ड सलार एक्शन के मामले में बनाएगी वो डंकी एक साधारण मूवी टिक नहीं पाएगी। प्रभास बाहुबली है और बाहुबली की तलवार के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर सलार में रोकी भाई का केमियो आ जाता है तो सलार कितना बड़ा धमाका कर सकती है और क्या डंकी का डंका नहीं बैंड बजने वाला है? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप रोकी भाई के और प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।